हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे मौसम विभाग के बारे में। आपको बताएंगे कि देश में 17 से लेकर 20 अगस्त तक मौसम कैसा रहने वाला है और किन इलाकों में भारी बारिश होने वाली है 17 से लेकर 20 अगस्त तक। और साथ में बताएंगे कि कहां कहां पर आपको सावधान भी रहना होगा इस भयंकर और बहुत ज़्यादा प्रचंड बारिश से। तो पूरी की पूरी अभी आपको जानकारी देंगे मौसम की, इसलिए आप ये वीडियो भी पूरा का पूरा हमारे साथ लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले हम भी आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि आप कोई भी जानकारी मौसम की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उसको दबाना है। और जैसे आप सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पास ही में आएगा एक घंटी का निशान, उसको भी आपको जरूर दबाना है ताकि आपको मौसम की हर एक जानकारी सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले भयंकर बारिश से सावधान भी हो जाए। और साथ ही में जो है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिए ताकि आपका सपोर्ट इस वीडियो को मिले और आपका सपोर्ट मिलने के बाद ये वीडियो आपके भाइयों बहनों मित्रों के पास भी पहुँच जाए और वह भी इस भयंकर बारिश से सावधान हो जाए। इसलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करिए और इस वीडियो को जो है आगे से आगे भी जरूर भेजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब हम मौसम की जानकारी को और आपको बता देते हैं कि देश में कैसा रहेगा आगामी 4 दिन तक मौसम। तो मौसम विभाग की तरफ से बेहद ही भयावह चेतावनी आई और आपको कहा है कि 17 से लेकर 20 अगस्त तक देश में भारी बारिश होगी। 5 राज्यों में अभी तक बाढ़ आ चुकी है और अब बताया जा रहा है कि 3 और राज्यों में भी बाढ़ आ सकती है आगामी जो है 5-4 दिनों के भीतर ही, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का अनुमान हुआ है। अब देखते हैं कि कौन से 3 राज्य है जहाँ पर बाढ़ के संकेत दिए गए हैं भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। तो मौसम विभाग की तरफ से जो बाढ़ के संकेत मिले हैं उनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब समेत जो है बहुत ही बड़ा बिहार इलाका भी शामिल है, जहां पर बताया जा रहा है कि बाढ़ देखने को मिल सकती है आगामी 4 दिनों के भीतर ही, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का अनुमान हुआ है। तो इस प्रकार से ये तो बाढ़ की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने दिए। अब मौसम की चेतावनी और भारी बारिश की चेतावनी किन इलाकों में दिए, चलिए देख लेते हैं वह भी पूरी की पूरी जानकारी। तो मौसम विभाग का आज के लिए अनुमान हुआ है कि दिल्ली सहित जो है कई राज्य में हो सकती है भारी बारिश और यह अनुमान जताते हुए भारतीय मौसम विभाग ने बड़ा चेतावनी दिया है आप सभी को तेज बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा में भारी बारिश होने वाली है आज, और इसके साथ ही जो है आगामी दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। अब आगामी दिनों में किन इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलने वाली है, चलिए वह भी अभी आपको बता देते हैं। तो 17 अगस्त के बाद मौसम विभाग का यह कहना है कि 18 से लेकर 20 अगस्त तक भी जो है देश के कई हिस्सों में भीषण कहर देखने को मिल सकता है कुदरत का, और कहीं इस दौरान जो है जनहानि भी देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं यह कि किस प्रकार से जनहानि हो सकती है, किस प्रकार से मौसम का मिजाज बदल सकता है, चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। तो मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है जबकि खुले स्थानों पर बहुत ही ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम के इलाकों में जो है बहुत ज्यादा प्रचंड बारिश देखने को मिल सकती है। वेस्ट यूपी, वेस्ट बंगाल, जो सिक्किम, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल के खुले जगह पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार, झारखंड, गैंगटेक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भी अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसी के साथ जो है 45 से 55 किलोमीटर रफ्तार से जो है अरब सागर में तेज हवाएं भी चल सकती है और बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर और दक्षिणी पश्चिम अरब सागर में हवाएं चल सकती है। इस प्रकार से यह हो रहा है अनुमान 18 से लेकर 20 अगस्त तक का जो कि मौसम विभाग की तरफ से हो रहा है, और मौसम विभाग ने इसी अनुमान के तहत आप सभी को प्रचंड और बहुत ही बड़े कुदरत के कहर से सावधान रहने को कहा है। तो इस प्रकार से यह हमने बात कर ली है मौसम के बारे में और आपको बताया कि पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम। अब हम यह बात करते हैं कि किन इलाकों में भीषण बाढ़ की चेतावनी मिली है और वह भी किस प्रकार से मिली है, और साथ बता देते हैं कि किन किन इलाकों में आप सभी को पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहने को भी कहा है मौसम विभाग ने। तो मौसम विभाग ने सबसे बड़ी चेतावनी अभी हिमाचल प्रदेश में दी और इसी के साथ जो है कहा है कि भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत में हिमाचल के कई जिलों के लिए भीषण वर्षा वाली चेतावनी जारी करके रेड अलर्ट के साथ ही जो है पूरे राज्य में नारंगी रंग की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुमान से बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में जो है कई इलाकों में प्रचंड बारिश देखने को मिलेगी जिनमें चमोली से लेकर कई बड़े बड़े इलाके शामिल होंगे जहां पर भीषण बारिश का कहर देखने को मिलेगा।
तो आपको बताया तो रेड अलर्ट जारी हुआ जिन इलाकों में, उनमें कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, चंबा, मंडी, जिन इलाकों में बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को भारी बारिश होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि शिमला, सोलन, मंडी और कांगड़ा में 18 अगस्त को भी भारी बारिश देखने को मिलेगी और इन इलाकों में जो है भारी बारिश की लाल चेतावनी जारी की है। और इसी के साथ जो है नारंगी रंग की चेतावनी भी जारी कर दी है पूरे राज्य में और बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी और कई इलाकों में जनहानि भी हो सकती है, कई इलाकों में भूस्खलन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भयंकर चेतावनी और खतरनाक मौसम की चेतावनी दी है भारतीय मौसम विभाग ने और आप सभी को पूरी तरह से सतर्क रहने का भी कह दिया है भारतीय मौसम विभाग ने। साथ में कहा है कि भारी नुकसान देखने को मिल सकता है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में यातायात भी ठप हो सकता है और इस कारण जो है कई ट्रेनें और बसें भी रद्द कर दी गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट आ चुका है और हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मौसम की है पूरी की पूरी आपके लिए जानकारी जो कि बहुत ही बड़े अलर्ट के रूप में आई है हिमाचल प्रदेश की। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया और आप सभी को सावधान रहने को कह दिया। आपको बताए तो भारी बारिश से अभी तक जो है 70 से भी अधिक की जनहानि एमपी में हो चुकी है और इसी के साथ जो आपको बताए तो 15 करोड़ रुपए का भी नुकसान हो चुका है अभी तक मध्य प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण। और आपको बताए तो भारी बारिश से एक तरह से कहा जाए तो अब आफत भी बन चुकी है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के लिए आफत इसलिए बनी है क्योंकि कहीं के लोगों को तो बेघर भी होना पड़ा इस भारी बारिश के कारण, कहीं लोगों के मकान भी धराशायी हो के और कई लोगों को जो है प्रशासन ने भी अलर्ट पर रखकर जो है अन्य स्थानों पर भेज दिया है राहत बचाव के तहत। और आपको बताएं तो इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने ये बताया है कि आपको सावधान रहना होगा पूरे कुल मिलाकर 8 जिलों में जहां पर काफी जरा भीषण से भी भीषण बारिश देखने को मिलने वाली है आगामी 4 दिनों तक। ऐसा मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट आ चुका है, खतरनाक चेतावनी दी है और आप सभी को सावधान रहने को कहा है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है, मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर भी चल रही है और लगभग सभी बांधों के गेट भी खोल दिए गए हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि एमपी की जो सरकार है उसने भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया और साथ में ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया है पूरे राज्य में। और आपको बताया तो इसी के साथ मौसम विभाग ने भी बड़ा अलर्ट दे दिया है और आप सभी को भी एक बहुत ही बड़ी सलाह दी है कि आप जो है अगले 48 घंटों तक का मौसम देखने से पहले घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और इसी कारण जो है मौसम विभाग ने आप सभी को यह बड़ी सलाह दी है क्योंकि 8 जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिलेगा अगले 4 दिनों तक जिनमें बड़े बड़े इलाके शामिल हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जो 8 जिले आए यानी कि जिनमें रेड अलर्ट जारी किया और आप सभी को पूर्णतः सावधान रहने को कहा है उनमें बड़े बड़े इलाके शामिल है जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर, मालवा, शाजापुर, गुना, राजगढ़ और श्योरपुर कला है जहां पर बताया जा रहा है कि भारी से भी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ आप सभी को सावधान रहने को कह दिया है। और आपको बताया तो यहीं पर आपको सावधान नहीं रहना है बल्कि जो और भी इलाके अशोकनगर समेत कई बड़े बड़े इलाके वहां पर भी आपको सावधान रहना होगा क्योंकि वहां पर भी भीषण बारिश का कहर देखने को मिलेगा और वहां पर भी आपको पूर्णतः पूरी तरह से चेतावनी दी गई है भारी बारिश को लेकर और वहां पर भी आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। तो इस प्रकार से यह है मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जो कि बेहद ही भयावह स्थिति में चल रहा है। और अब हम बात करते हैं एक और ऐसे राज्य की जो कि बाढ़ ग्रस्त हो चुका है और उसकी भी हालत बेहाल हो चुकी है और वह राज्य है राजस्थान जहां पर भीषण बारिश की चेतावनी लगातार जारी कर रहा है मौसम विभाग। और मौसम विभाग का यह कहना आ रहा है कि आपको रहना होगा अब राजस्थान में सावधान क्योंकि राजस्थान में चाहे पश्चिमी इलाके हो, चाहे उत्तरी इलाके हो या फिर पूरी इलाके, हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश कई इलाकों में जो है भीषण जनहानि भी दिखा रही है। और इसी कारण जो है मौसम विभाग ने फिर से 18 जिलों के लिए बहुत ही बड़ी भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट वहां पर जारी कर दिया और कहा है कि आप सभी संभल कर रहिएगा अन्यथा बहुत ही बड़ा आपका नुकसान देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने कई बड़े बड़े बांधों के गेट भी खोल दिए जिनमें बड़े बड़े बांध शामिल है। तो मौसम विभाग का यह कहना आया है कि लगातार जो बारिश हो रही है वह आगे भी जारी रहेगी और आपको बताए तो पहले कहीं इलाकों में जो है भीषण बारिश से बड़ी बड़ी जनहानि भी हो चुकी है। अभी तक राजस्थान में 5 लोगों की पिछले एक सप्ताह में जनहानि देखने को मिल चुकी है जिनमें धौलपुर में सबसे अधिक जनहानि देखने को मिली है, कोटा में भी अधिक जनहानि देखने को मिले क्योंकि यहां पर भीषण बारिश से बाढ़ आ चुकी है और इसी कारण जो है इन इलाकों में तो काफी जरा आपको संभल कर रहने को कहा है। अब मौसम विभाग का यह कहना आया है कि अगले जो 4 दिन होने वाले हैं उनमें आपको काफी जरा यहां पर सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आगामी जो 4 दिन होंगे वह आपके लिए काफी खतरनाक होने वाले। अब देख गया
लेते हैं कि किन इलाकों में आपको सावधान रहना होगा। तो मौसम विभाग के अनुमान से जोधपुर, नागौर और पाली जिलों में अत्यधिक वर्षा होने वाली है और ये चेतावनी आपके लिए आई है कि आपको इन इलाकों में सावधान रहना होगा। और वहीं इसके अलावा अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर जैसे इलाकों में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इन इलाकों के लिए भी आपके लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी आई है और कहा जा रहा है कि इन इलाकों में यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रकार से यह है राजस्थान के मौसम की जानकारी आपके लिए कि किस प्रकार से राजस्थान का मौसम भी रहने वाला है। और इसी के साथ बात करते हैं अब यहाँ पर पंजाब की। तो पंजाब में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है और जारी हो चुका है हाई अलर्ट भी। मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 3 दिन तक पंजाब के कई शहरों में भारी बारिश देखने को मिलेगी और इसी के अनुसार जो है शनिवार और रविवार को उत्तरी पंजाब में बहुत ही तेज बारिश का अनुमान जारी कर दिया है भारतीय मौसम विभाग ने। तो मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में यह बता दिया है कि लुधियाना, अमृतसर, तंतनार, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, नवानशहर, कपूरथला में भारी बारिश संभावना चल रही है और इसी के साथ पूरी पंजाब के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना चल रही है और आप सभी को सावधान रहने को कह दिया है पंजाब के इलाकों में। बताया जा रहा है कि पंजाब के कई इलाके होंगे जहां पर तेज हवाओं का भी दौर चलता रहेगा आगामी 3 दिनों तक। तो इस प्रकार से यह है पंजाब के मौसम की जानकारी जो कि बहुत ही भयावह स्थिति में चल रही है और आपको पंजाब में भी सावधान रहने को मौसम विभाग ने दिया कहा है। और वहीं उत्तराखंड में भी एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जा चुका है 5 जिलों के लिए, जिनमें देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल शामिल है जहां पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बिहार के भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपको बताए तो बिहार में जहां शुष्क इलाके चल रहे थे वहां पर भी भारी बारिश देखने को मिलने वाली है अगले 24 घंटों में, जिससे वह राहत नहीं लेंगे यानी कि राहत की सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहां पर आफत वाली बारिश देखने को मिलेगी, ऐसा भारतीय मौसम विभाग का अनुमान हुआ है एक ट्रफ लाइन रेखा के कारण, क्योंकि ट्रफ लाइन रेखा बन चुकी है जो कि अभी झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है और इसी कारण बताया जा रहा है कि यहां पर भारी बारिश देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार से यह थी पूरी की पूरी मौसम की जानकारी आपके लिए कि किस प्रकार से देश में रहने वाला है आगामी दिनों में मौसम। तो यदि आपको ये पूरी की पूरी जानकारी मौसम की अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही में शेयर भी अवश्य करिए और साथ ही में आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब भी करिए। तो इसमें बस नहीं था, आप सभी भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।